नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है MHI 04 का, MA हिस्ट्री का, MHI 04 का यूनिट नंबर 13। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिशर्स का एडवेंट। तो इस चैप्टर में आप देखोगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडियन स्टेट्स और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया, है ना। और हम देखेंगे कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रोल, क्या क्या उनके मेथड्स थे कंट्रोल करने का अपनी कॉमर्शियल एम्पायर को, और उनका क्या रोल था इंट्रा एशियन और इंडो यूरोपियन ट्रेड में। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को भी हम सीखेंगे, और देखेंगे हम कि फाइनली वो मैरिटाइम पावर से टेरिटोरियल पावर कैसे बनते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा डिटेल में आपको ये चैप्टर करें। हम तीन पार्ट में करेंगे इस चैप्टर को फ्रेंड, ताकि आसानी से आपको समझ में आए और कुछ मिक्स ना हो। इस पार्ट में हम सिर्फ पुर्तगालियों के बारे में बात करेंगे, सेकेंड में डच और फिर थर्ड में फ्रेंच के बारे में बात करेंगे। तो आराम से रिलैक्स होकर सुनिए सिर्फ, और मुझे पूरी आशा है कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और इवन बुक तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बुक एक बार आप गो थ्रू करोगे तो आपको वैसे ही लगेगा कि हाँ, जो सुना हुआ है सेम कोरिलेट है, कोई अंतर आपको नहीं नज़र आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले तो बात उठती है कि ये यूरोपियन इंडिया आए क्यों। तो आप जानते हो यूरोप में इंडिया के जो स्पाइसेस थे वो बहुत फेमस थे हमेशा से, है ना। लेकिन पहले इंडियन ट्रेडर्स डायरेक्टली यूरोप नहीं जाते थे, वो क्या करते थे। अगर आपने एमए हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स, दूसरी बुक्स पढ़ी हैं, जैसे MHI 2-1 में डिस्कशन है इसका, MHI 5 में भी डिस्कशन है इसका। तो आप जानते हो कि जिस समय की बात है, 1498 लास्ट ऑफ द 15th सेंचुरी के आसपास में, ओटोमन एम्पायर भी वहाँ काफ़ी पावरफुल हो गया था मिडिल ईस्ट में। और अब ओटोमन एम्पायर और जो ओटोमन एम्पायर जो था वो मेनली मुस्लिम फेवरिंग था, है ना, और उनका अपना जिहाद का भी था, तो वो लोग अगेंस्ट थे क्रिश्चियंस के। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस को मेडिटेरेनियन के उस पार ही ढकेल देना उनका मकसद था, और वो इसमें सफल भी रहे काफ़ी हद तक। और कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाता है बिल्कुल ही उनका यूरोपियंस का सेंट्रल एशिया के साथ, और वो चाहते थे कि इंडिया के साथ डायरेक्ट कुछ खोला जाए, डायरेक्ट ट्रेड किया जाए। तो मेन रीज़न यही था कि यूरोपियंस का इंडिया में आने का, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो डिसरप्शन हुआ पॉलिटिकल सिनेरियो के वजह से, वो उसको उसने उनको कंपेल किया कि वो इंडिया के लिए नए रूट्स ढूंढें, डायरेक्ट रूट्स ढूंढें। तो इसी यही सब के मद्देनज़र वास्को डिगामा इंडिया आते हैं कैलिकट में मई 1498 में, और यहाँ से एक न्यू एरा शुरू होता है यूरेशियन ट्रेड में, यूरो एशिया ट्रेड में, है ना। इनिशियली जो पुर्तगीज आए इंडिया में, उनका सिर्फ क्या मकसद था, सिर्फ यहाँ से आओ अपना ट्रेडिंग करो और ले जा करके वहाँ सामान बेच दो। अब आप जान के हैरान हो जाओगे, जो वो स्पाइसेस इंडिया से ले जाते थे उसको वो अपने यहाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यूरोप में 100 times प्राइस पे बेचते थे। अब सोच के देखो, कई जो वास्को डी गामा आए थे वो खुद तो जो कार्गो ले गए थे वो कई 100 गुना ज़्यादा उसका प्राइस मिला वहाँ जा कर के, जो उनका एक्सपेंडिचर टोटल लगा आने का उससे कई 100 गुना ज़्यादा उनको कमाई हो गई वापस जाने में। तो उस आप सोचो, इतना उन्होंने कमा लिया था पहले ही ट्रिप में कि वो 2 साल बाद फिर आए थे। अगली बार वो 1502 में आए थे, 1500 में गए, 1502 में आए थे फिर वो। खैर वो स्कोप के बाहर ये डिस्कशन करना यहाँ पे। तो और वास्को डी गामा ने क्या किया था, नया रूट ढूंढा था, कहाँ से, वाया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आपका साउथ अफ्रीका का टिपिंग पॉइंट है फ्रेंड, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल का क्या था, उनके एक उस जमाने में एक प्रॉब्लम थी कि पुर्तगाल में इतना कोई मर्चेंट क्लास नहीं था, इतना इकोनॉमिकली साउंड कंट्री नहीं थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटेन या फिर
दूसरे यूरोपियन स्पेन डच वगैरह के बराबर ये लोग इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे, तो इनके मर्चेंट क्लास भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो जो क्राउन था, जो किंग वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो दिया ही दिया अपना योगदान, है ना, ये ओवरसीज जो कंपनी बनी उसके लिए। लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया, और भी जो फाइनेंस था वो जुटाया यूरोप से, ठीक है। इसमें प्राइवेट मर्चेंट्स भी उनकी हेल्प करते हैं, बैंकर्स भी हेल्प करते हैं, तो कई लोगों को मिला करके ये ओवरऑल उनकी एक एंटरप्राइज थी। तो जब पुर्तगालियों ने यहाँ पे आया, तो अब सवाल उठता है कि जब पुर्तगाली यहाँ ट्रेड कर रहे थे, तो क्या इंडियन राजा इस चीज़ से खुश थे, वो उसका अपोज नहीं कर रहे थे, उनका भाई उनको भी तो नुकसान हो रहा है। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि जो पुर्तगाली जब इंडिया आए, तो उन्होंने सिर्फ कोस्टल सिटीज़ में ही अपना बसेरा बसाया, है ना, वो इनलैंड में नहीं आए, क्योंकि इनलैंड में उस ज़माने में कौन था मुगलों का राज चल रहा था, नहीं खैर मुगल अभी आए नहीं थे, तो अंदर के जो राजा थे, सल्तनत पीरियड का लास्ट चल रहा था उस समय, तो अब बाद में मुगल मुगल भी थे, तो इतना उन लोगों ने इंटरफेरेंस इसलिए नहीं किया, क्योंकि ये लोग जो थे अपना पोर्ट सिटीज़ में ही रहते थे, और कहीं भी उनकी सॉवरेनिटी को नहीं हैम्पर करते थे, कहीं उनको मतलब उनके पावर्स के अगेंस्ट नहीं जाते थे। हालांकि कभी कभी झड़प हुई है पुर्तगालियों का भी, आप जानते हो शाहजहां वगैरह ने भी लड़ाई हुई थी उनकी, तो लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, और ख़ास करके टेरिटोरियल्स को लेके पुर्तगालियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये लोग अपना पोर्ट सिटीज़ तक ही रहते थे, वहीं अपना सामान लिया और वापस चले गए, बस इनका यही काम था। तो राजाओं को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो ट्रेड हो रहा था उससे कहीं ना कहीं उन्हीं को फ़ायदा हो रहा था। ये क्या करते थे, स्पाइसेस ले जाते थे, और उसके बदले में क्या देते थे, गोल्ड देते थे उनको, गोल्ड बुलियंस देते थे, तो फ़ायदा ही था, पूरा प्रॉस्पेर हो रहा था, काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी इंडिया के उस दिनों। तो इस चलते इंडियन रूलर्स इनके प्रति टॉलरेंट बने रहे। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि फ्रेंच ने अब धीरे धीरे टेरिटोरियल कैसे एक्सपेंशन किया, उसी को देखा देखे ब्रिटिशर्स ने भी किया, डच ने भी किया था थोड़ा बड़ा, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के ये सब चीज़ें, ठीक है। अराइवल ऑफ पोर्तुगीज, तो हम जानते हैं वास्को डे गामा कैलिकट आए मई 1498 में, और इनको भेजने वाले जो वहाँ के पुर्तगाल के मोनार्क थे वो थे डी मैनुअल। और इससे क्या हुआ कि एक डायरेक्ट सी रूट खुल गया, है ना, पुर्तगाल और इंडिया के बीच में। हालांकि उनका मकसद सिर्फ सी रूट खोलना और बिजनेस करना नहीं था, उनका मकसद ये भी था कि वो क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे और धर्मांतरण कराना चाहते थे लोगों का, तो उनके प्रोसेलिटाइजिंग मिशन भी आते थे उनके साथ में। आप जानते हो कई सारे जो सेंट जेवियर वगैरह हैं, ये सब किसी न किसी वायसराय के साथ ही आए थे यहाँ पे, पुर्तगाली वायसराय के साथ, और उन्होंने धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी को यहाँ फैलाया। तो जो सबसे पहले वायसराय आया था पुर्तगाल का, वो था अल्मेडा, जो 1505 में इंडिया में आया। हालांकि इसने कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया, कुछ ज़्यादा इसके कमर्शियल और टेरिटोरियल एक्टिविटी नहीं रही, ये पीस में बिलीव करता था, और इसने नॉर्मली पीसफुली अपना राज करके वापस चला गया। फिर उसके बाद अल्फांसो द अल्बरकू का आते हैं 1509 में। अब इन्होंने मेन चीज़ें की, और इन्हीं को माना जाता है एक तरीके से रियल इस्टेब्लिशर ऑफ पुर्तगाली इन रूल इन इंडिया। तो इन्होंने पहले तो कुछ एक एरियाज को जीता, जैसे गोवा को जीता 1510 में, मलक्का 1511 में, हारमोज जो पर्शियन गल्फ के माउथ पे है 1515 में। हालांकि इन्होंने अडन नहीं जीत पाए, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का वहाँ पे, अडन की खाड़ी नहीं जीत पाई क्योंकि ओटोमन एम्पायर का कब्जा था वहाँ पे। तो इसने धीरे धीरे कई सारे फोर्ट्स बनाए इन जगहों पे, ठीक है, आर्मी रखी छोटी मोटी, और वहाँ से वो चलाने लग गया एक छोटा मोटा एम्पायर, पूरा बिजनेस एम्पायर चलाने लग गया। और अल्बरकू की थे जिन्होंने अपने लोगों को भी प्रोत्साहित किया था कि हाँ तुम इंडियन लोगों से शादियाँ करो और तुम यहीं पर बसो, उनको भी। तो ये काफ़ी मतलब पुर्तगालियों का रियल स्टेब्लिशर इसको बोला जा सकता है इंडिया में। तो आप देखते हो 1518 में भी श्रीलंका पे भी कब्जा कर लेते हैं ये, वहाँ पे फोर्ट बना डालते हैं।
और धीरे धीरे 1530 आते आते गोवा को कैपिटल बना दिया जाता है पूरा पुर्तगालीज कॉमर्शियल एम्पायर का, जो पूरे एशिया में था। पुर्तगालियों दमन द्वीप बसिन का भी कंट्रोल ले लिया था गुजरात से, और इवन कोंकण मालाबार कोस्ट भी ले लिया था उन्होंने अपने कब्जे में। और कुल मिला के बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी इनके पास क्या था, 50 फोर्ट्स थे और 100 बड़े बड़े नेवल शिप्स थे इनके पास पूरे एरिया में कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जो राजा कोचीन का राजा था वो भी एक तरीके से पुर्तगालियों का पपेट बन चुका था। द पोर्तुगीज सी बॉर्न एम्पायर 1500 टू 1640 तक रहा। अब एम्पायर की बात करें तो हम देख चुके हैं कि लिस्बन में एक रॉयल ट्रेडिंग फॉर्म खोली गई, किस नाम से, कासा द इंडिया के नाम से। ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है फ्रंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना, तो आप ये याद रखना रॉयल ट्रेडिंग फॉर्म का क्या नाम था, कासा द इंडिया। और उसको हेड कौन करता था, क्राउन करता था। हालांकि क्राउन के साथ और भी थे ग्रुप में, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स होते थे, फाइनेंसर्स होता था, बैंकर्स होते थे, और ये ज़्यादातर लोग कहाँ के थे, यूरोप के थे, क्योंकि पुर्तगाल के पास खुद इतना पैसा होता नहीं था उस ज़माने में भी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस कंट्री नहीं थी तब। हालांकि इंडिया के साथ ट्रेड करके उसने थोड़ा बहुत कमाया पैसा, लेकिन उस ज़माने में भी वो इतना ज़्यादा प्रॉस्परस यूरोप में नहीं थी, क्योंकि उसका एरिया आप आज भी देखो तो बहुत ही कम है। इवन जो मेन पुर्तगीज बोली जाती है वो तो अब बाद में उन्होंने कहा, और मेन अगर आप हिस्ट्री पूरा डिटेल में पढ़ो, यहाँ पे उतना मेंशन नहीं है, तो आप जानते हो कि इंडिया से उनका मोह भंग इसलिए भी हो गया था, एक तो क्योंकि उनसे ज़्यादा पावरफुल ब्रिटिशर्स वगैरह भी आ गए थे, और सेकेंडली ये था कि उनको ब्राज़ील मिल गया था बहुत बड़ा एरिया, तो उन्होंने अपने आप वहाँ कॉलोनी बसाई और उसी पे फोकस करने लगे। उन्होंने इंडिया एक तरीके से बिल्कुल छोड़ ही दिया था। और आप जानते हो ब्राज़ील की लैंग्वेज भी पुर्तगीज है, वहाँ पुर्तगाली लोग रहते थे। तो उसी तरीके से इंडिया में भी जो इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, उसको क्या कहते थे, इस्तादा द इंडिया, स्टेट इन इंडिया। और जिसको हेड करता था वॉइस रॉय ऑफ गोवा। ठीक, वॉइस रॉय की काउंसिल होती थी एक, उस काउंसिल में कौन कौन से लोग होते थे, उस काउंसिल में लोग होते थे आपके आर्क बिशप ऑफ गोवा, चीफ इंक्विजिटर, फिदालगोज या नॉबल रेजिडेंट्स ऑफ गोवा, कैप्टन होता था गोवा सिटी का, हाई कोर्ट का चीफ जज होता था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता था। ठीक है, और ये काउंसिल कभी कभी मिलती थी और ये लोग डिस्कशन करते थे सिविल मिलिट्री मैटर्स को लेकर के। ठीक, इसके अलावा गोवा का म्यूनसिपल का इलेक्शन भी होता था। ठीक है, जिसको कौन 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 लोग इसमें वोट करते थे, पोर्तुगीज लोग करते थे और यूरोशियन पॉपुलेशन इसका करती थी। अब म्यूनसिपालिटी का क्या रोल है आपको पता ही है, फॉर द गवर्नेंस ऑफ द सिटी। अब ये जो फोर्ट्स बनाए गए थे इतने सारे, और वहाँ उनके जो कैप्टन होते थे, इनका क्या काम था मेन, उनका ये काम था कि मोनोपोली बनाए रखना स्पाइस ट्रेड का, है ना, और जो लोकल एशिया में भी ट्रेड चल रहा उस पर भी कहीं ना कहीं वो लोग कंट्रोल चाहते थे। क्योंकि तो इस कंट्रोल से होता क्या कि उनको टैक्स वगैरह मिलता, और इस टैक्स का भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट आप देखोगे जो टैक्स कलेक्ट, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हो जमा होता था पुर्तगालियों का बाय ट्रेड प्लस टैक्स, है ना, कस्टम ड्यूटी और जो टैक्सेस, अलग टैक्सेस उन्होंने लगा रखे थे पोर्ट्स वगैरह में, तो इन सबको मिला करके जो रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी से उनको करेक्ट होता था वो था 60 से 65% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो आप देखो मतलब मेन तो वो कस्टम ड्यूटी से ही कमा रहे थे एज कम्पेयर टू अदर जो था उसका। इसके अलावा आप ये भी देखो कि वो लोग कई बार क्या करते थे, हम पढ़ेंगे कि कैप्चर कर लेते थे एशियन शिप्स को और पूरा कन्फिस्केट कर लेते थे सारा माल उसका। इसके बावजूद जो 60 से 65 रेवेन्यू था वो सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी से होता था। ये देखो कितना कितना मतलब कमाई थी। जो मेन स्पाइस था जिसमें पुर्तगाली ट्रेड करते थे वो था पेपर, और ये नॉर्मली वो मालाबार रीजन से करते थे, बाद में कनारा रीजन से भी करने लग गए। और
पुर्तगाल से भी कुछ एक चीज़ें आती थी, स्पेशली प्रीशियस मेटल आता था वहाँ से इंडिया में, और ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये ट्रेड था मोनोपोली आइटम का, इसमें पुर्तगालियों को सेकंड हाफ आते आते नुकसान होने लग जाता है, ठीक है, पेपर ट्रेड में खास करके। बाय 1564 बहुत मोनोपोली भी मेंटेन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था क्राउन के लिए। और वो क्या कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, 1575 आते आते इस रॉयल मोनोपोली को उठा करके दो मर्चेंट्स को दे दिया। एक था ऑसबर्ग का मर्चेंट कॉनार्ड रॉट और दूसरा मिलान मर्चेंट रोवालिस का। और इन्होंने ऐसा नहीं दिया कि हाँ कुछ पैसा लेकर के दे दिया, एक सर्टेन रेट पे दिया कि पर क्विंटल पे आपको 32 क्रूजाडोस देना पड़ेगा। क्रूजाडोस उस जमाने की उनकी वो थी, करेंसी थी, तो इक्वेलेंट कितना होगा आज का ये तो मुश्किल है बताना, बट 32 क्रूजाडोस पर क्विंटल ही, आप बस इतना याद रखो। अब क्यों हो रहा था मुश्किल उनको 1564 तक अपना मेंटेन कर पाना, और घाटा क्यों हो रहा था मोनोपोली नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा आगे से पढ़ेंगे फ्रेंड, ठीक है। अभी आप इतना जानो कि उन्होंने इसको दे दिया एक तरीके से प्राइवेट हैंड में। फिर बाद में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आ गए, डच आ गए, तो बिल्कुल ही ये अनइकोनॉमिकल हो गया उनके लिए पेपर ट्रेड करना, और घाटे का ही सौदा था, तो उन्होंने एक तरीके से धीरे धीरे ये बंदी कर दिया। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पुर्तगाल से जो आते थे प्रेशियस मेटल, उसमें कौन कौन से होते थे चीज़ें, एक तो वेस्ट अफ्रीकन गोल्ड होता था, रियल क्वाइंड होता था अमेरिकन सिल्वर का, कुछ एक नॉन प्रेशियस मेटल भी होते थे जैसे कॉपर, लेड, टीन, क्विक सिल्वर, मर्करी, और कुछ एक कोरल्स, एलम, वाइन, ऑलिव ऑयल, ये सब चीज़ें भी आती थी। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो इंडिया में डिमांड किया जाता होगा उस ज़माने में वो था कॉपर, ठीक है, जिसको इंपोर्ट करते थे वो पुर्तगाल से। अब पुर्तगालियों ने क्या किया, धीरे धीरे इंट्रा एशियन ट्रेड पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक। और यहाँ तक कि देखा गया कि जो उनकी कमाई थी इंट्रा एशियन ट्रेड में, वो जो यूरेशियन ट्रेड से थी उससे ज़्यादा कमाई होती थी उनकी इंट्रा एशियन ट्रेड में। फॉर एग्जाम्पल वो क्या करते थे, मोलक्का से स्पाइसेस लेते थे और लिस्बन भेजते थे। लेकिन मोलक्का से स्पाइसेस लेने के लिए वो आप क्या कर रहे थे, धीरे धीरे आपका जो बुलियन में पे करते थे ना, वो पहले गोल्ड में पे करते थे, अब उन्होंने क्या करना चालू कर दिया कि इंडिया से टेक्सटाइल खरीद के उठा के मोलक्का में बेचने लग गए, और उसके बदले में वो स्पाइसेस लेने लग गए। तो इस तरीके से वो डबल फायदा कमाने लगा, डबल ट्रिपल फायदा कमाने लग गए। और ये जो इंट्रा एशिया उनका ट्रेड था वो यूरेशियन ट्रेड से काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था उनका। अब राजा ने जो वहाँ का क्राउन था, कहाँ का, पुर्तगाल का, उसने क्या कर रखा था, क्रू जो रॉयल शिप्स के क्रू मेंबर थे उनको भी दे रखा था मोनोपोली में, जो पेपर वेपर की मोनोपोली है उसमें हिस्सा दे रखा था कि तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम भी काम कर सकते हो अपना चाहो तो, ठीक है। और कुछ एक स्टेट ऑफिशियल्स को भी दे रखा था ये कि ठीक है तुम भी कर सकते हो इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि तो उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और ऑब्वियस सी बात है कि करप्शन रोकने के लिए उन्होंने फिर सोचा बेटर तरीका, इनको भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना, तो थोड़ा मोड़ा ये भी करेंगे तो हमारा चीज़ों को मैनेज भी अच्छे से करेंगे। लेकिन ये उल्टा पड़ा, वो करते क्या थे, एक तरीके से जो इंट्रा एशियन ट्रेड में जो जहाज यूज़ होते थे उसके लिए वो इसको यूज़ करते थे अपना प्राइवेट प्राइवेट काम करने के लिए, और इससे रॉयल फर्म को ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि वो जहाज़ तो प्रोवाइड करा रहे थे लेकिन उसमें उनकी कमाई नहीं हो रही थी। तो वो एक तरीके से एक क्या हो गया कि फ्रेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले खाली बन के रह गए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 1540 से 50 के बीच में पुर्तगाली स्टेट फाइनेंस बहुत बुरी कंडीशन में हो जाती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, और क्राउन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मोनोपोली मेंटेन करके रखना इस चीज को। पैसा नहीं है तो फिर मोनोपोली कैसे मेंटेन करके रखेगा, है ना, आप किसी को रोक नहीं सकते। फिर अब व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पोर्टुगीज कॉमर्शियल एम्पायर, क्या क्या वो था कंट्रोल उनका ना, कैसे वो कंट्रोल करते थे, अब हम ये देखेंगे।
तो आप जानते हो कि पुर्तगाली आए थे इंडिया, सबसे पहले इंडिया पुर्तगाली आए थे वाया सी। तो उससे पहले हालांकि ये लोग आते थे, क्या नाम है आपका, एशिया के लोग आते थे जहाज से, लेकिन यूरोप से इंडिया पहली बार कौन आया था, पुर्तगाली ही आए थे, क्योंकि रेड सी वगैरह का ट्रेड तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन पुर्तगाल यूरोप की तरफ से, वो भी वेस्टर्न यूरोप की तरफ से पहली बार आए थे ये लोग। इतना लंबा रास्ता आज की डेट में तो हम नहीं लगता, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। अब पुर्तगालियों को क्या हुआ कि पुर्तगाली ना जो क्राउन थे वो इस चीज को कंट्रोल नहीं रख पाए, एक तरीके से मोनोपोली पे ना, ये लोग चाह के भी मोनोपोली पे कंट्रोल नहीं कर पाए अपना, और उसके रीजंस कई सारे हैं। अब पुर्तगाली जब इंडिया आए उस जमाने में उन्होंने क्या सोचा कि जितना भी सी का ट्रेड है ना, खास करके स्पाइसेस को लेकर के, वो सारा का सारा रिजर्व होना चाहिए किनके लिए, पुर्तगीज क्राउन और उसके एजेंट के लिए। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्यों यूज़ की, नेवल सुप्रीमेसी यूज़ की, क्योंकि उस जमाने में इंडियन ट्रेडर्स भी यूज करते थे, हाँ सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करते थे, वहाँ ले जाके बेचते थे ये पेपर वगैरह, और जो अरब ट्रेडर्स थे वो भी आते थे इंडिया। तीनों ने सबसे पहले उन्हीं को निशाना बनाया और उनकी नेवी को निशाना बनाया है ना, और उनको दिखाया कि हाँ हम यहाँ पे सुप्रीम है और हमारी ही चलेगी। तो कई सारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हुई और उसमें पुर्तगाली जीते, इनका दबदबा बढ़ा और इन्होंने एक तरीके से अरेबियन सी पे कब्जा कर लिया, अरेबियन सी, इंडियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ इन्होंने कब्जा कर लिया पूरा, नेवल सुप्रीमेसी के बेस पे। तो लेकिन धीरे धीरे होने क्या लगे, हमने पढ़ा कि जो ऑफिशियल स्टाफ थे या फिर जो कैप्टन होते थे वो अपने लिए यूज करने लग गए जहाजों को, है ना, अपने अपना कार्गो ले जाने के लिए, तो इससे नुकसान होने लग गया स्टेट को। और 1540 आते आते देखा जाने लग गया कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप था वो बहुत ही कॉस्टली होने लग गया था, तो इस चलते भी क्राउन अब धीरे धीरे फेवर में था कि हाँ इसको अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। और बाद में आपने देखा 1575 आते आते उन्होंने इस चीज़ को ऑब्वियसली बेच भी दिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी कि लाइसेंस वगैरह देना, वो प्राइवेट मर्चेंट्स को भी लाइसेंस देते थे, इंडिविजुअल्स को भी देते थे। लाइसेंस देने का जो ग्राउंड था वो था, एक तो था मिलिट्री सर्विस, या दूसरा ऐसा होता था कि जो गोवा के प्रोमिनेंट लोग थे और गरीब थे, तो उनको उनकी बेटियों की जब शादी होती थी तो उनको एज अ डॉरी दे दिया जाता था, ठीक है, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर पोस्ट की प्रीरिक्विजिट ये होती थी। और नॉर्मली जो था, सबसे ज़्यादा जो लाइसेंस दिए जाते थे वो हाईएस्ट बिडर वाले को दिया जाता था, बिडिंग करवाई जाती थी, जो हाईएस्ट बिड करता था उसको दिया जाता था। हालांकि वो बिड जितना भी कर ले लेकिन प्रॉफिट इतना ज़्यादा होता था कि वो ओवरऑल कमाता ही था उस चीज़ को लेकर के। तो पुर्तगालियों ने कंट्रोल करने का सर शुरू किया अपना इस जगह पे, और जो भी सी में था उसमें कंट्रोल कैसे किया, इन्होंने कंट्रोल इस तरीके से किया कि सबसे पहले तो उन्होंने इंडियन ओशन में क्या किया, कार्तज सिस्टम शुरू कर दिया, वो एक तरीके का पासपोर्ट होता था, है ना, जैसे आज आपको कहीं जाना है तो पासपोर्ट लगता है ना, पासपोर्ट चेक कराना पड़ता है, पासपोर्ट लेना पड़ता है फीस दे करके, तो वैसे ही उन्होंने कार्तज, या जिसको पासपोर्ट बोल सकते हो आप, पासपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। और जितने भी जहाज थे, चाहे इंडियन हो, एशियन या सेंट्रल एशियन हो, जो भी हो, अगर उनको इन सीज में मूव करना है तो उनको एक जो पुर्तगाली पोस्ट है वहाँ जा करके पास कार्तज लेना पड़ेगा, तभी वो मूव कर सकते हैं। अगर जिसके पास ये कार्तज नहीं मिलता था उसको, वो क्या करते थे, जहाज को कन्फिस्केट कर लेते थे और क्रू को भी पनिश करते थे। कई बार तो उन्होंने क्या किया, गोली मार दी या डुबा दिया क्रू को। हालांकि फी बहुत कम होती थी कार्तज की, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पुर्तगालियों को बहुत फ़ायदा हुआ कस्टम ड्यूटी से, क्योंकि इन जहाज़ों को क्या करना पड़ता था, कार्तज से पास लेते समय उसमें बताना पड़ता था कैप्टन कौन है जहाज़ का, उसका साइज क्या है, कितना क्रू मेंबर होगा, उस पर क्या क्या आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, ठीक है, फिर उसको जो जो इनके फोर्ट्स थे वहाँ जा करके कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी,
तो इनका एक तरीके से सिस्टम बना दिया था पूरा इन्होंने, तो कस्टम ड्यूटी से भी बहुत कमा लेते थे। बाद में फिर उन्होंने एक और तरीका निकाला, काफिला सिस्टम। अब इससे दोनों को फायदा था, हालांकि लोकल मर्चेंट्स को भी फायदा था। काफिला सिस्टम में क्या था, कस्टम हाउसेस को तो फायदा था ही कि पैसा आ रहा है ये लेने के लिए, काफिला का प्राइस देना पड़ता था। और नेटिव ट्रेडर्स को फायदा ये था कि क्योंकि काफिला में लोकल मर्चेंट्स के शिप्स के साथ साथ में पोर्तुगीज नेवल शिप चलती थी उनके प्रोटेक्शन के लिए। उन दिनों समुद्री डाकू वगैरह बहुत होते थे, लूट लेते थे जहाज़ों को, आज भी आप जानते हो होता रहता है सोमालिया वगैरह में, तो उस ज़माने में तो और भी ज़्यादा था। तो इस एक तरीके से उनके प्रोटेक्शन की फ़ीस थी, तो इस तरीके से बहुत अच्छा उनकी कमाई हो जाती थी पुर्तगालियों की। इसीलिए बोला गया था कि पेपर ट्रेड से तो उन्होंने क्या ही कमाया जो उन्होंने कस्टम ड्यूटी से सबसे ज़्यादा कमाया। अब आपके एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बार बार आता है, इवेल्युएशन ऑफ द पोर्तुगीज कॉमर्शियल एम्पायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, जब पुर्तगाली आए ना 15th सेंचुरी के लास्ट में, या आप 16th सेंचुरी की शुरुआत बोलो, तो 16th सेंचुरी के पहला हाफ जो है 1550 तक का, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ डिसरप्ट हुआ, वो हुआ रेड सी टू मेडिटेरेनियन। जो अरब का जो था ना ट्रेड, वो सबसे ज़्यादा डिसरप्ट हुआ। देख क्या मतलब, देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है ना, रेड सी के ट्रेड, रेड सी में पॉलिटिकल सिचुएशन बदलने के वजह से यूरोपियंस को इतना लंबा रास्ता तय करके इंडिया आना पड़ा, ठीक है, उन्होंने नया रूट ढूंढना पड़ा उनको। और जब वो खुद आ गए पुर्तगाली यहाँ, तो उल्टा असर किसको पड़ा, रेड सी वालों को ही पड़ा। हालांकि सिक्सटीन सेंचुरी के सेकंड हाफ में इन लोगों ने रिवाइव कर लिया अपने आप को, जब पुर्तगाली थोड़ा सा कमज़ोर हो गए, लेकिन फर्स्ट हाफ में तो इनका बहुत ही बुरा असर पड़ा उन पे। और इस बात को कह पाना, इस बात को कहना भी बड़ा डिबेटेबल है कि एक्चुअली में जो दिखाया जाता है कि हाँ स्पाइस ट्रेड में बहुत प्रॉफिट था, तो एक्चुअली इतना प्रॉफिट था भी कि नहीं था, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम पुर्तगाल के स्टेट फाइनेंस को देखें, तो हम देखते हैं कि सेकंड हाफ तो द 16th सेंचुरी में स्टेट फाइनेंस बहुत बुरी तरीके से डिटेरियट हो जाता है, और जो उसके फोर्ट्स थे, फ्लीट्स थे, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत कॉस्ट लगती थी, है ना। और तो इस जो ट्रेड हो रहा था एशिया से यूरेशिया, यूरोप तक का, ये बहुत, वो भी मोनोपोली रखना, मेंटेन रखना तो बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और सेकेंडली दूसरा ये भी था कि जो पोर्तुगीज थे उनका क्या था, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे वो फॉरेन मर्चेंट के कैपिटल्स पे, फॉरेन एक्सपर्टीज पे, और फॉरेन मार्केट्स पे भी वो डिपेंडेंट थे। तो इस चलते थोड़ा दिक्कत हो गई पुर्तगालियों को ना सेकेंड हाफ में, ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं। यही नहीं, पुर्तगालियों ने मतलब 100% भी कंट्रोल नहीं था उनका मोनोपोली पे, क्योंकि अगर आप देखो इंडिया के अंदर ही अगर आप देखो, तो 1540s 1550s में गुजरातियों ने क्या किया, जो उनका पेपर का था बिजनेस, उस पर भी सेंधमारी कर दी। ये क्या करते थे पुर्तगाली, नॉर्मली अपना पोर्ट सिटीज में रहते थे, और इंडियन जो उनके प्रोक्योरमेंट वाले थे वो ला करके उनको पोर्ट सिटीज में बेचते थे, और ये उनको पैसा कम देते थे, ठीक है। और वेरस गुजरातियों का क्या था, वो अंदर ही अंदर अपना इलीगल उनसे परचेज किया, पैसा भी अच्छा दिया, और वो एशियन एशियन मार्केट्स में उसको बेच दिया। तो ये भी कारण था पुर्तगालियों का, जो मिडिल हाफ में जा करके, 16th सेंचुरी के मिडिल हाफ में जा करके जो उनका रिकॉर्ड्स स्टेट फाइनेंस बिगड़ता है, उसका कारण ये भी था। अब पुर्तगाली गुजरातियों को गुजराती मर्चेंट्स को करने क्यों देते थे ट्रेड, ये क्वेश्चन उठता है, वो करने ही क्यों देते थे एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड। तो उसका कारण ये था कि क्योंकि पुर्तगाली जो थे वो चाहते थे कि वो हॉर्सेस का जो ट्रेड है उस पर मोनोपोली चाहते थे। अब वो हॉर्सेस कहाँ आते थे, पर्शिया से आते थे, पर्शिया मतलब ईरान से। अब वो चाहते थे इस पर हमारा पूरा कब्जा हो, तो गुजराती क्या करते थे, लेकिन वो खुद नहीं ला सकते थे पर्शिया से, क्योंकि वहाँ कौन थे, ऑटोमन अम्पायर का कब्जा था, और वो क्रिश्चियंस के बड़े अगेंस्ट थे, तो इसलिए वो गुजरातियों को भेजते थे। गुजराती वैसे भी बहुत पहले से जा
कर रहे थे बिजनेस वहाँ से, तो गुजराती अच्छे से जानते थे वहाँ के लोगों को। तो इन्होंने गुजरातियों को ये हॉर्स ट्रेड कंटिन्यू करने दिया, वो वहाँ से ला करके पुर्तगालियों को देते थे, पुर्तगाली फिर फर्दर राजाओं को बेचते थे इंडिया में। और उनका मकसद ये था क्योंकि उस ज़माने में राजा अच्छे घोड़े खरीदते थे, तो एक तरीके से वो उन राजाओं को बेच करके एक फेवर भी ले सकते थे, है ना, कि देखो हम आपको अच्छे घोड़े प्रोवाइड कर रहे हैं और हम आपके दुश्मन को भी नहीं बेचेंगे ये घोड़े। तो कुछ ना कुछ वो उसके बदले में कंसेशन उनसे लेते रहते थे, ठीक है। तो ये उनका मेन मकसद हो गया था एक तरीके से। तो इस तरीके से इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत जो गुजरातियों को ढील दी थी, तो उसका भी गुजरातियों ने काफ़ी फायदा उठाया गुजराती मर्चेंट से। ठीक है, ये सारा पढ़ लिया हमने। ये सारा हमने देख लिया। हालांकि कभी कभी हमने देखा है कि राजा पुर्तगाल, डिटेल हिस्ट्री हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पुर्तगाली जब आते हैं तो उनका किस कैसे कैसे किस किस राजाओं का किसके साथ कौन से ईयर में लड़ाई हुआ था, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे हम डिटेल वॉर हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। तो आप जानते हो कि पुर्तगालियों की भी झड़प होती रहती थी कभी कभी लोकल रूलर्स के साथ, बिजनेस को लेकर, लोकल मार्केट को लेकर के। तो लेकिन ओवरऑल ये पीस ही बनी रही दोनों के बीच में, और जो राजा थे इंडियन राजा थे वो भी उनको नहीं ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे वो ज़्यादा प्रॉफिट ही उनको मिल रहा था। और जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, गोवा में तो कस्टम ड्यूटी पे करते ही करते थे, साथ में वो जो लोकल रूरल के पोर्ट्स थे उनको भी कस्टम ड्यूटी दे देते थे वो, क्योंकि वो भी काफ़ी कमा रहे थे कुछ इंडियन मर्चेंट्स भी विदेश से डील करके। अब आप सोचो 100-100 गुना दाम में ज़्यादा बिक रहा है विदेश में जा कर के, तो ऑब्वियसली उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कस्टम ड्यूटी देना थोड़ी सी। तो लोकल और दूसरी तरफ क्या था, क्योंकि जो लोकल रूलर्स थे वो नेवल सुप्रीमेसी में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो इंटरनल रेवेन्यू था एग्रीकल्चर से, पीजेंट से, जो इंटरनल ट्रेड से, इतना ज़्यादा था कि उनके पास वक्त ही नहीं था नेवल जो बिजनेस था उस पर ध्यान देने का। तो वो नॉर्मली अपने इसी में बिजी रहते थे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन वगैरह में ही बिजी रहते थे, और कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को लेकर के। इवन मुगल्स ने भी अपनी नेवी नहीं रखी, आप जानते ही हो हिस्ट्री के थ्रू। तो वो अपने इंटरनल से ही इतना संतुष्ट थे, उसी में इतना लगे रहे कि उनको ज़रूरत ही नहीं थी बाहर का नेवी रख के इसको करने की। तो जो लोकल चैलेंज मिसिंग था उससे, तो उससे पुर्तगालियों को लगा कि हाँ हम ही सुप्रीम है सी ट्रेड में, और वाटर्स में हमारी ही चलेगी, ठीक है। लेकिन बाद में वो ऐसा हुआ नहीं, आप जानते हो ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स ने उनको बुरी तरीके से हराया, फिर तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी आती है नेवी में। और आपने देखा इनके 50 फोर्ट्स थे और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 ships थे, तो इतना बड़ा जो एम्पायर इन्होंने सेटअप कर लिया था, सीबॉर्न एम्पायर यूरेशिया एशिया में, इसको चलाने के लिए लोग बहुत कम थे। टोटल नंबर ऑफ यूरोपियंस एंड यूरेशियंस अवेलेबल फॉर एन एक्सपेडिशन सेल्डम रीच 5,000, 5,000 आदमी लोग भी नहीं होते थे यूरोपियंस और यूरेशियंस को मिला करके भी। और जो मिलिट्री सर्विस में तो पूरे एम्पायर में 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो आप सोचो अगर इतने कम लोग होंगे तो कैसे वो इस चीज़ को सर्वाइव कर पाएंगे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है इनके जो है इनके एम्पायर के बारे में कि हाँ पोर्तुगीज जो थे उन्होंने कोई भी एग्जिस्टिंग पैटर्न चेंज नहीं किया, और ना ही कोई ऐसा अटेम्प्ट किया कि रेडिकल चेंज आ जाए रूट्स में, गुड्स में, या ट्रेडिंग टेक्निक्स में, है ना। आप देखो तो गुजराती पहले भी जाते थे, ट्रेड करते थे कहाँ,
एशिया के, सेंट्रल एशिया के साथ, वो इनके टाइम में भी करते रहे। बस कस्टम ड्यूटी तो पे करते थे, काफ़ी ड्यूटी कस्टम ड्यूटी पे करने लग गए इनको बस, है ना। ना तो गुड्स में उन्होंने कुछ चेंज किया, पेपर बेचते थे फिर भी पेपर बेचते रहे वहाँ, और भी जो ट्रेड करते थे वो ट्रेड करते रहे। और ना ही इन्होंने कोई ट्रेडिंग टेक्निक ही चेंज किया उनका, वो जो चलाते थे टेक्निक उसी टेक्निक से वो चलाते रहे। तो इनका अगर देखा जाए ओवरऑल, तो कहा जाए तो कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं इंडिया का ट्रेड पे लेकर के, है ना। जो ट्रेड चलता रहता था बस वही चलता रहा। हाँ थोड़ा बड़ा मोनोपोली इन्होंने करने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुई। हालांकि हम अगर इस बारे में बोलें कि जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड था इंडिया का, उसमें उल्टा बढ़ावा हुआ इंडिया का, क्योंकि जब यहाँ पे इन्होंने अरेबियन सी में डिसरप्शन किया तो कुछ एक गुजराती इस साइड आ गए इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आके, और इवन कई तो साउथ ईस्ट एशिया मलेशिया वगैरह जा कर के रहने लग गए, और वहाँ से ज़्यादा ट्रेड को और ज़्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया गुजराती मर्चेंट्स ने। तो होप ये वीडियो आपको पूरा समझ आ गया हो फ्रेंड, मैंने पूरी कोशिश की है पूरा डिटेल में, आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही पुर्तगालियों के बारे में, अगले लेक्चर में हम देखेंगे डच डोमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और आप अपना प्यार बनाए रखें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।